बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज, पार्ट 1 है हमारे पास। 42x² - 8x - 2, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 21x² - 2 4 8x - 2 1 2। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है 21x² - 4x - 1। ये हमारे पास मिड टर्म है, इस क्वेश्चन को हम लोग मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम लोग 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 × 1 = 21। 21 का हमें एलसीएम लेना है इसके फैक्टर मालूम करने के लिए। 3 7 21 7 1 7, इसके हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि हम उन्हें मल्टीप्लाई करें 21 आए, और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाए। तो 7 माइनस का 7 में से अगर प्लस का 3 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस 4 आएगा, और 7 × 3 = 21। तो हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं मिड टर्म के -7x + 3x। इसे हम लिखेंगे 21x² ही रहेगा, यहाँ पर हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे -7x, जो इसकी बेस है वही बेस हमारे पास यहाँ पर आएगी, और +3x -1 ही रहेगा। अब हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 7x, अंदर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस, पूरी टर्म में हमारे पास यहाँ पर आ रही है तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं +1, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 3x +(-1, 1 इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म्स आएंगी। अब 7x + 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हमारे पास ब्रैकेट कॉमन आ रही है 3x - 1, इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे ये आंसर। इन ब्रैकेट्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इनके प्रोडक्ट हमारे पास, ये क्वेश्चन ही हमारे पास वापस से आएगा। (21z²) - (4z - 1). अब यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म -4z आ रही है, और 21 को 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 21 के फैक्टर हम इस तरह से भी ले सकते हैं 3 7 21 7 1 7, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 × 7 = 21, और 7 में से हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4। माइनस का 7 लेंगे क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर की आती है, जिसे हम लिख सकते हैं 21z² ही रहेगा, और -7z + 3z, ये इसके हमने दो फैक्टर बना लिए, और माइनस का 1 as it is लिखेंगे। अब हम इन दो टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 7z, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 7 3z 21 होता है, और z का स्क्वायर है तो z एक अंदर ले लिया हमने, माइनस ये पूरी टर्म आ रही है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +1, और 3z - 1 अंदर आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा 7z + 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और 3z - 1
हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसे एक दफा लिखेंगे, ये हमारा आंसर। पार्ट थ्री है इसका, 9y² + 21yz^4 - 8y². अब यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स सेम आ रही हैं, इनकी बेस सेम है, तो हम 9y² - 8y² को एक साथ लिखते हैं, +21yz^4। यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, सेम बेस जो है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस होगा ये, तो हमारे पास आएगा y² और +21yz^4। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं y हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर y ही बचेगा और +21z^4, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें 24a² - 18a। यहाँ पे बुक में प्लस की साइन है, प्लस की साइन नहीं आएगी, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, तो ही हमारा आंसर सही आएगा। अब हम इन टर्म्स में से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 8 से 24 a² - 3 6 से 18 a और -3 9 से 27। अब 3 कॉमन लेने के बाद हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म में हमारे पास -6 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 × 9 = 72। 72 के फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, 2 6 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। अब हमें इस तरह का फैक्टर चाहिए इसका कि हमारे पास -6 आए प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 72 आए। अगर हम -12 लें और इसमें से +6 माइनस कर दें तो हमारे पास -6 आ जाएगा, और 12 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 6 2 से 12 2 1 6 1 6, 72 हमारे पास आ रहा है। तो हम ये दोनों फैक्टर ले सकते हैं, -12 और 6। 3 एज इट इज़ ही रहेगा, 8x² भी एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, -12a, बेस सेम रहेगी, 6 के साथ a बेस है तो इन फैक्टर्स के साथ भी a ही आएगा, +6a - 9। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और a, अंदर हमारे पास आएगा 4 2 से 8 होता है और a आ जाएगा, -4 3 से 12, और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कॉमन, 3 कॉमन आ जाएगा और प्लस का 3 लेते हैं तो 2a और माइनस का 3 लेंगे तो 3 3 से 9, यही हमारे पास आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4a + 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, ये कॉमन आ रहा है 2a - 3, तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इसका आंसर। अच्छा, अब बुक के अंदर हमारे पास आंसर थोड़े से चेंज आ रहे हैं इसमें, बुक के अंदर इस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ही रिपीट हो गया है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह से 4 का आंसर बिल्कुल ही अलग आ रहा है, ये नहीं है,
ये है, इसमें हम लोगों ने साइन भी चेंज की है। और इसको चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन ही आपके पास आना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा, अगर यही हमारे पास आता है तो इसका मतलब है कि हमने सही किया है।